उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, विधानसभा में बजट इतना बड़ा आया, चर्चा होने जा रही है बजट पर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सब खोखला है बजट, ये किस तरह से मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का आया। विपक्ष मुद्दा विहीन है, उनको जनता नकार चुकी है, उनके पास कोई काम नहीं बचा है, वो हर समय नकारात्मक टिप्पणी करते रहते हैं। आज ये जो बजट है ये गांव के गरीबों के जीवन के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए, विकास की गति को तीव्रता बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट से गांव, किसान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान इंसान, उन सब के जीवन में बदलाव होगा और विकास बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से, चाहे वो बिजली का हो, कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, हर दृष्टि से संपन्न राज्य होगा। और उसी का कारण है कि हर क्षेत्र में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हो, देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, ये बड़ी उपलब्धि है। अब उनको जनता नकार चुकी है तो उनके पास नकारात्मक टिप्पणियां करने के अलावा समाजवादी पार्टी के विधायकों में भी आपसी खींचतान, स्वामी प्रसाद मौर्य और मनोज पांडे के बीच तीखी नोकझोंक, मीडिया में तमाम बयानात वायरल हो रहे हैं। पीडीए चकनाचूर हो गया और उनके कई विधायक भारतीय जनता में आज पार्टी में आने के लिए इच्छुक पड़े हुए, इच्छुक पड़े हैं। कितने विधायक हैं आप तो बड़े से आना चाहते हैं, ये आप देखिएगा, आने आप लोग नहीं रहे क्या? आने वाले दिनों में आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। कितने विधायक आ जाएंगे टूट के, आप लोग क्या यही तोड़ने का पड़े हैं? वो क्योंकि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है वो विधायक, उनके क्षेत्रों में विकास का काम हो रहा है, हर गांव के आदमी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिल रहा है, वो विधायक के विधानसभा क्षेत्र है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों में उनका विश्वास है, वो रुचि रखते हैं, इसलिए कितने दर्जन भर मान लें। देखो ये हमें बात नहीं रहा, लोग आस्था रखते हैं, उनके भी विधायक उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है उस पर विश्वास रख रहे हैं और काम उनके क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया बहुत बहुत। गिरीश यादव जी ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक, आने वाले समय में कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।